हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट डिस्कस करने वाले हैं। भाई गवर्नमेंट क्या होती है ये तो आपको हमको सबको पता है यार, गवर्नमेंट तो हम समझते हैं। व्हाट इज बजट? गवर्नमेंट बजट बाद में समझेंगे, पहले हम सिर्फ बजट वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। बजट जो होता है वो एक टूल ऑफ प्लानिंग है, यानी प्लानिंग करने का एक तरीका है। हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं ना कि क्या इवेंट होगा, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग करने का एक टूल होता है बजट। अब समझना, एक बिजनेसमैन अपने आने वाले 3 महीने यानी क्वार्टर या पूरे साल के लिए एक एस्टिमेट करता है कि मेरा कितना कितना सेल्स हो पाएगा, मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे जो गुड्स हैं, उनका पोटेंशियल क्या होगा, हम कितना कितना गुड्स बेच पाएंगे। ऑब्वियसली अगर वो सेल्स का एस्टिमेशन करेगा तो उस अकॉर्डिंगली उसको पता पड़ेगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना रॉ मटेरियल का परचेज करना है। तो फ्यूचर के इवेंट का वो जो एस्टिमेशन कर रहा है इसे हम कहते हैं सेल्स बजट। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस फर्म आने वाले अपने 2-4-6 महीने के लिए देखना चाहता है कि हमें किस किस सोर्स से कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना कितना हमें कहाँ कहाँ पेमेंट करना है, तो उसे हम कहते हैं कैश बजट। सिंपल शब्दों में बजट क्या है? एस्टीमेशन है फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स का, और वो एस्टीमेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में। चाहे सेल्स बजट की बात करें तो भी नंबर में होगा, हमने कैश बजट का एग्जाम्पल लिया वो भी नंबर में होगा। तो बजट हमेशा किस में बनता है? नंबर्स में। वापस बजट फ्यूचर का एस्टिमेशन और किसमें? नंबर्स में। और एक टूल ऑफ प्लानिंग होता है, ये हमको समझ में आ गया था। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? जब गवर्नमेंट इतने बड़े देश को चलाना चाहती है तो ऑब्वियसली उनको प्लान करना पड़ेगा। प्लान किस चीज का? कि भैया हम रोड बनाने पर कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, हम हेल्थ पर, हम एजुकेशन पर, हम आर्म्स खरीदने पर, या जो अलग अलग चीजें उन सब पे कितना कितना कैसा एक्सपेंडिचर करेंगे। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ता है कि इनकम टैक्स की रेट क्या रखेंगे, एक्स कमोडिटी का जीएसटी क्या रहेगा, वाई कमोडिटी का जीएसटी क्या रहेगा। यानी गवर्नमेंट को अपने अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर के लिए एक एस्टिमेशन बनाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से कितना हमको रिसिप्ट होगा और कहाँ कहाँ कितना हम खर्च करने वाले हैं। दैट इज नॉन एज गवर्नमेंट बजट। यानी व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। क्लियर करना, जहां हमने एस्टिमेटेड रिसिप्ट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर लिखा है, वहां एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो। एक ही बात है, जो एक्सपेक्टेड है उसी को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है, कुछ इस तरीके से आप समझ लो। एक तरफ रिसिप्ट है, एक तरफ एक्सपेंडिचर है, कितना आने वाला है उस तरफ, कितना जाने वाला है इस तरफ, और हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना रहे हैं कहाँ कहाँ से कितना आ सकता है। उस हिसाब से हम पूरा एक रिसिप्ट कॉलम बना रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको पेमेंट करना है उसके लिए हम एक्सपेंडिचर कॉलम बना रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट बन रहा, अकाउंट बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं गवर्नमेंट बजट। प्रैक्टिकली बजट बहुत बड़ा बनता है, पूरी एक सूटकेस लेकर आते हैं पेज भर के, हम तो एक छोटा सा उसका एक कहते ना ओवरव्यू टाइप देख रहे हैं हमारे इस चैप्टर में। अब समझना, जब सरकार ये देखती है कि वो कहाँ कहाँ से कितना रिसिप्ट होगा, तो गवर्नमेंट क्या है, एस्टिमेट कुछ ऐसे करती है कि यार अगले साल पूरे देश में लोगों की इनकम का लेवल ये रहना चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए, अगर हम इतना इनकम टैक्स चार्ज करेंगे तो हमको इतना रिसिप्ट हो पाएगा, अगर हमने इनकम टैक्स रेट कम कर दिया तो हमारा रिसिप्ट इतना कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, वॉट एवर। गवर्नमेंट इस पर प्लान करती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि एक्स कमोडिटी जो पहले ही बहुत रिसेशन में मरी पड़ी है, जिसको कोई परचेस करना पसंद नहीं कर रहा है, अगर इस पर हमने टैक्स और बढ़ा दिया तो इसको जो प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स है वो बेचारी बंद हो जाएगी, इकोनॉमी में बहुत लॉस हो जाएगा। तो समझना, गवर्नमेंट अपने बजट में ये प्लान करती है कि हमें इनकम टैक्स रेट कितना रखना है, किस कमोडिटी के लिए जीएसटी कितना रखना है, कितना हमको वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करना है, कितना हमको एजुकेशन पर खर्च करना है। और ये जो सारा प्लानिंग होता है इसी को तो हम सिंपल शब्दों में फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल वर्ड का मतलब होता है फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के फंड्स के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होगी उनको हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब भी क्या होता है? गवर्नमेंट जब अपने टैक्स रेट्स बढ़ाने घटाने पर सोचती है, गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज डिक्रीज करने पर प्लान करती है, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो टेक्निकली गवर्नमेंट बजट इज फिस्कल पॉलिसी, इसको बजटरी पॉलिसी अपन बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इट इज ऑल्सो द फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी।
पॉलिसी, और सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो ये गवर्नमेंट का एक प्लानिंग का टूल है जिससे गवर्नमेंट अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो जो फिनेंशियल इवेंट्स होने वाले हैं, जो जो उनको एक्सपेंडिचर करने, रिसीप्ट करने, उन सबको स्मूथली करना चाहती है, इसीलिए वो अभी से प्लान कर रही है और प्लानिंग के लिए क्या बना रही है, बजट। हाँ, अगर मैं ब्रॉडली ऐसा बोलूँ कि बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बजट का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें दो बेसिक कंपोनेंट या सब पार्ट्स होंगे, तो वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा बजट रिसिप्ट, एक होगा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट मतलब एस्टिमेटेड इनफ्लोज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, और बजट एक्सपेंडिचर बोले तो एस्टिमेटेड आउटफ्लोज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हालांकि जो कंपोनेंट वाला जो पोर्शन है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इन दोनों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां जाता है, उसमें रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, ये सब अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी आखिर गवर्नमेंट अपना बजट बनाती क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट बजट क्या है, एक टूल ऑफ प्लानिंग है। हम फ्यूचर का एस्टिमेशन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर के हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्मूथली चल पाए, और गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, जो सोशल जस्टिस चाहती है इकोनॉमी में, वो सब प्रॉपरली कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट एक प्लानिंग के लिए टूल बना रही है, और वो टूल क्या है, बजट है। इस थॉट के साथ अब हम एक काम करते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का, जीडीपी ग्रोथ। भाई गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी ग्रो करे, तो जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, और बजट में क्या करती है, खुद इन्वेस्टमेंट्स करेगी इकोनॉमी में। ये तो प्लान करती है कि हम रोड बनाएंगे, हम डैम बनाएंगे, हम रेलवे ट्रैक्स, रेलवे स्टेशंस बनाएंगे, हम नई फैक्ट्री खोलेंगे, यानी गवर्नमेंट ये तो प्लान करती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बजट के थ्रू इंड्यूस करती है। गवर्नमेंट बजट में ऐसे लालच देती है कि आप अगर इन इन एरिया में इंडस्ट्री लगाते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे, इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं, जो सब्सिडीज होती है, या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट जो करती है, उससे प्राइवेट सेक्टर इंड्यूस होता है टू इन्वेस्ट। यानी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ कब होगी, जब इन्वेस्टमेंट्स होगा। तो बजट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या किया जाता है, एक तो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट करती है, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और सेकंड गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करती है। इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस कैसे करती है, एक तो इंफ्रा डेवलप करके, और दूसरा गवर्नमेंट थोड़ी सी लालच वाली जो होती है ना, वो पॉलिसीज देती है, टैक्स बेनिफिट, सब्सिडीज वगैरह की पॉलिसीज देकर गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। समझना, सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आप और मैं जो पैसा खर्च करते हैं हमारे हिसाब से, हमारी इच्छा से, उसको बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय प्राइवेट सेक्टर। आपके और मेरे पास जो हमारी इनकम है, दैट इज आवर रिसोर्सेज, हम उसे कैसे यूज करते हैं, वो हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गवर्नमेंट अपने बजट से हमारे रिसोर्स एलोकेशन को डायरेक्शन देती है कि बेटा आपको इधर खर्च करना, इधर नहीं करना, इधर करना, इधर नहीं करना। किस तरीके से गवर्नमेंट ऐसा करती है, समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे लीकर के ऊपर, टोबैको के ऊपर ह्यूज टैक्स लगा देती है कि हम कहीं ना कहीं उस तरफ एक्सपेंडिचर कंपैरेटिवली कम करें, बहुत महंगा हो जाएगा तो बहुत सारे जन शायद उसको अफोर्ड ना करें, परचेज ना करें। भाई बुकिश तो यही कहता है ना, प्रैक्टिकल क्या होता है वो अलग बात है। प्रैक्टिकली आप कितना भी रेट महंगा कर दो, हर आदमी ऐसे करके मतलब ठीक है यार, अब आप समझते हो। बुकिश तो हम यही कहेंगे ना, बुकिश लैंग्वेज में, कि गवर्नमेंट हमारे रिसोर्स को डायरेक्शन देती है लोकेशन को कि भैया आपको इस पे खर्च नहीं करना, मैं टैक्स बढ़ा दिया। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझना, अगर हम गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, सपोज करो उसका कॉस्ट आता है सपोज 10 रुपीज पर यूनिट, जो गवर्नमेंट का कनेक्शन हमारे घर पे आता है, लेकिन अगर हम हमारे घर के छत पर, रूफ पर अगर सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, तो जो पैनल्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट सब मिलाकर हमारा खर्चा आ रहा मान लो 12 रुपीज पर यूनिट। यार गवर्नमेंट का कनेक्शन लो, सीधा सीधा 10 रुपया पर यूनिट में काम होता है। एक तो रूफ पूरा कवर हो जाएगा आपके सोलर पैनल्स के कारण, और कॉस्ट भी 12 रुपये आएगी। कौन यूज करेगा इसको, कोई नहीं लगाएगा। प्रैक्टिकली समझना, अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो आप
नेशन को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, क्योंकि सबसे पहली बात जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करोगे वो पोल्यूशन फ्री होगी। गवर्नमेंट का मैक्सिमम जनरेशन तो थर्मल पावर से होता है, और थर्मल पावर कोयले वगैरह से जो होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो एक तो पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, दूसरा आप अगर खुद की इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर लोगे तो गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बचेगी गवर्नमेंट उसको गांव में, रूरल एरिया में, किसानों को खेतों में देगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली आप ये सारी बातें नहीं सोचोगे, आप सिर्फ ये सोचोगे कि गवर्नमेंट 10 में देती है और मैं घर पे बनाऊंगा तो 12 में बनेगी, और आप घर पे नहीं बनाओगे, सोलर पैनल नहीं लगाओगे। गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने पैसे सोलर पैनल पे खर्च करो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सोलर पैनल पे सब्सिडी दे दी। आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी, जो आपका 12 रुपया कॉस्ट आ रहा था, सपोज वो 8 या 9 रुपया आ रहा है, गवर्नमेंट 10 पे दे रहा, आपको लगता है कि नहीं यार गवर्नमेंट के कंपैरिजन तो सस्ता है, तो यू विल गो फॉर दैट। यानी सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट कहीं पे टैक्सेस बढ़ा देती है, कहीं पे सब्सिडीज दे देती है, कुल मिला के गवर्नमेंट हमको अनकरेज और डिस्करेज करती है कि यहाँ खर्च करो, यहाँ खर्च मत करो। अनकरेज करती है यहाँ खर्च करने के लिए और डिस्करेज करती है यहाँ खर्च नहीं करने के लिए। और गवर्नमेंट के अनकरेज और डिस्करेजमेंट के कारण हमारे रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में मूव होते हैं या रुकते हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट हमारे रिसोर्सेज का जो एक्सपेंडिचर है, जो लोकेशन है, उसको डायरेक्शन देती है। थर्ड जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बजट बनाने का, वो है प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स मतलब कलेक्टिव यूज गुड्स, जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए होता है, सबके लिए एक साथ होगा। जैसे गवर्नमेंट के जो गार्डन्स होते हैं, पब्लिक गार्डन जिनको हम बोलते हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी का है। कोई भी घूमे फिरे वहाँ पे, गरीब हो अमीर हो, सभी लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल होगा। और किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं, मतलब ये बनना संभव भी नहीं है ना, ये तो कलेक्टिव बेसिस पर सभी के लिए होगा। तो इनको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स जो सबके लिए है वो कौन प्रोवाइड करा पाएगा? कोई एक व्यक्ति तो खुद के लिए बस स्टैंड नहीं बना सकता, कोई एक व्यक्ति खुद के लिए एयरपोर्ट नहीं बना सकता, ये कौन प्रोवाइड कराएंगे? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड कराएगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने बजट में इस बात का प्रोविजन रखती है कि हमें कितना पैसा पब्लिक गुड्स पे एक्सपेंडिचर करना है, यानी जो कलेक्टिव यूज गुड्स है, जो कॉमन गुड्स है सभी के लिए, उस पर कितना पैसा खर्च करना है, इसका प्रोविजन गवर्नमेंट अपने बजट में बनाती है। यानी बजट बनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इतनी सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, सेल है, भेल है, ONGC है, कोल इंडिया, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज एंड गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स है। इनमें फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करके एक्सपांशन करना है कि डिस इन्वेस्टमेंट करके इनको वापस पीछे लेकर आना है। कहीं पैसा जब लगाते हैं तो इन्वेस्टमेंट, लगाया हुआ पैसा वापस जब विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। यानी कहां पे कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है, कहां डिस इन्वेस्टमेंट करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, हमको हमारे कदम पीछे खींचने हैं। गवर्नमेंट का जो प्लानिंग होता है, ये सबका सब बजट में डिसाइड हो जाता है। अगर गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट करने वाली है तो बजट में उसका खर्चे में लिखना पड़ेगा ना कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और अगर गवर्नमेंट कहीं पे डिस इन्वेस्टमेंट करने वाली है तो वो भी बजट में लिखा जाएगा कि इस कंपनी में अब हमारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे, जिससे इतना पैसा हमको रियलाइज होगा। तो सिंपल शब्दों में नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में पब्लिक सेक्टर को किस तरीके से हमें मैनेज करना, किस तरीके से चलाना है, उसका एक ब्रॉडर ब्लूप्रिंट बन जाता है गवर्नमेंट के बजट में। नेक्स्ट हमको बोला रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या इसको हम बोल सकते हैं इनकम इक्वलिटी। गवर्नमेंट बजट बनाती है इस तरीके से कि उस पर टैक्सेस अमीरों पे चार्ज हो, यानी बजट के थ्रू जो टैक्सेस चार्ज होते हैं वो अमीरों पे हो, और उन पैसों का खर्च गरीबों के वेलफेयर के लिए हो। गरीब व्यक्ति बेचारा दो वक्त की रोटी खा सके, एक अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा, मतलब एजुकेशन और हेल्थ को अफोर्ड कर सके, यही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरीके से प्लान करती है, इस तरीके से डिजाइन करती है कि जो रिच क्लास है उससे टैक्सेस लिया जा सके, और जो पुअर क्लास है उसके लिए वो पैसा खर्च किया जा सके, और जो इनकम इनइक्वलिटी है, जो इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को थोड़ा कम करने की कोशिश की जा सके। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट सोशल जस्टिस इन द इकोनॉमी। एक छोटी सी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आउट ऑफ सिलेबस जाके, एक्सेसिव फोकस ऑन सोशल जस्टिस इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है।
आप अमीरों से बहुत ज़्यादा टैक्स लोगे और सारा गरीबों पे खर्च करने लग जाओगे, तो गरीब को लगेगा कि मैं मेहनत क्यों करूं, सरकार मुझे फ्री में सब कुछ दे रही है, और अमीर को लगेगा मैं मेहनत क्यों करूं, कितने मेहनत करूं सरकार सब ले जाती है। तो इकोनॉमी में ना गरीब मेहनत करेगा ना अमीर मेहनत करेगा, और पूरी इकोनॉमी ही धीरे 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 नीचे आने लग जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। तो एक्सेसिव फोकस ऑन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट गुड, बट टू एन एक्सटेंट इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सोशल जस्टिस। अमीरों से टैक्स लो, गरीबों के लिए खर्च करो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पूरे इकोनॉमी में ग्रोथ जो हो वो बैलेंस्ड हो। क्लियर करना, रीजन वाइज भी बैलेंस हो और सेक्टर वाइज भी बैलेंस हो। रीजन वाइज मतलब ऐसा नहीं कि खाली राजस्थान और हरियाणा और पंजाब एमपी गुजरात ये डेवलप हो रहे हैं, आसाम बिहार बंगाल उड़ीसा बेचारे पीछे। नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्टर वाइज भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पीछे हो गए, जैसे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे रह गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो इस तरीके से प्लान करती है कि अगर कुछ नए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम अगर वेस्टर्न एरिया में आ रही, तो कुछ ईस्टर्न में भी आए, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी जाए, कुछ साउथ में भी जाए, कुछ हिमाचल में भी जाए, यानी कहीं पर अगर नया आईआईएम खुल रहा है तो कहीं नया एम्स खुल जाए, कहीं नया रिफाइनरी बन जाए, कहीं पे नया कुछ दूसरा प्लांट लग जाए। तो एरिया वाइज रीजन वाइज एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो, और सेक्टर वाइज भी जो सेक्टर पीछे है उनको आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, और जो आगे है उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाए क्योंकि रेवेन्यू भी जरूरी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बैलेंस्ड ग्रोथ पर फोकस करती है थ्रू द बजट। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, ये वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये कहता है कि गवर्नमेंट अगर बिना बजट बनाए, बिना प्लानिंग करे अपना एक्सपेंडिचर स्टार्ट कर दे, तो पहले तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती जा रही है गवर्नमेंट, पैसा खर्च किए जा रही है, किए जा रही है। बहुत ज़्यादा जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेगी तो उससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, महंगाई क्रिएट होगा, और फिर गवर्नमेंट को पता पड़ा अल्ले सारे पैसे तो खत्म हो गए, ओए अब क्या करेंगे, एक बार सारे इन्वेस्टमेंट सब रोक दो, भैया अभी फंड नहीं है, जब फंड आएगा तब देखेंगे, एक बार सब रोक दो। जैसे गवर्नमेंट एकदम से अपने खर्चे पे ब्रेक मारेगी वैसे पूरी इकोनॉमी में मनी का फ्लो रुक जाएगा, और इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन था वो भयंकर रिसेशन हो जाएगा। तो इकोनॉमी इस तरीके से नहीं चलती है ना, कभी इन्फ्लेशन आ रहा कभी रिसेशन आ रहा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी बेचारी। इन्फ्लेशन में गरीब को खाना नहीं मिलेगा, और रिसेशन में किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी भूखी मर जाएगी। इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट एक प्लानिंग का टूल है जो खर्चों को इस तरीके से प्लान करता है कि इकोनॉमी कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ना हो। गवर्नमेंट की प्लानिंग ये होती है कि इकोनॉमी एक स्टेबली ऊपर ग्रो करती रहे, यानी स्टेबल रहे लेकिन अपवर्ड साइड स्टेबली मूव करती रहे, यानी गवर्नमेंट बजट का एक इंस्ट्रूमेंट, एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। What is government budget? Government budget is a systematic statement of estimated receipts and estimated expenditure of the government for the next accounting year. Two basic components थे, एक तो receipt और दूसरा expenditure, जिनको हम डिटेल में next part में discuss करेंगे, हमारा जो second part आएगा उसमें discuss करेंगे। और अभी जो हमने objectives देखे वो ये थे, government investments को खुद भी करती है और induce भी करती है जिससे GDP growth हो, private sector के जो expenditures हैं, जो allocation of resources है उनको direction देती है, public goods के लिए provision create कर ना भी एक ऑब्जेक्टिव है बजट का, कैसे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को मैनेज किया जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बैलेंस्ड ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सब ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। ये पार्ट यही खत्म करते हैं, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी बुक है जिसमें हमने सारा कंटेंट बहुत ही प्रॉपर लैंग्वेज में, बहुत ही प्रॉपर वे में नोट डाउन किया है, लिखा है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक तो उसका लिंक हम लोगों ने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैं आपका फ्रेंड महादेव बाहेती, अगर आप सोशल मीडिया पर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसके लिंक भी हमने नीचे आपको दे रखे हैं। थैंक यू।